जब भी जो घोषणा पत्र बनते हैं वे घोषणा नहीं, सपने नहीं, संकल्प पत्र रहते हैं। इसलिए हमारे भारत में पिछले 9 वर्षों से अच्छे दिन चल रहे हैं और आने वाले दिन और भी बहुत ही अच्छे। खुशहाली होगी, हमारा भारत वैभवशाली बनेगा। गुरुओं का यह देश है। कल भी एक ऐतिहासिक दिन हुआ, परसों तो गीता जयंती थी। सर्व शास्त्र में गीता, सर्व धर्मो दया, सर्व तीर्थ मई गंगा, सर्व देव मयो हरि विष्णु, नमो विष्णु नमो विष्णु। पालक बने हैं, पालक ऐसे बने हैं जो जन सेवा करेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, पूरे प्रदेश का सभी जाति वर्ग की उन्नति होगी। और हमें आशा है कि अब न क्षेत्रीयता, न कोई जातिवाद, न सिर्फ कोई गांव या कोई न सिर्फ शहर, सब तरफ सबको समरसता भाव से आप हर तरह से उन्नति देंगे, विकास की ओर ले चलेंगे। क्योंकि जो धर्मी राजा होता है वह सिर्फ प्रजा का सुख देखता है। तो ऐसी सनातन व्यवस्था के अनुसार अब पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया है, मजबूती के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे और जो इनका भावी मंत्रिमंडल है वे सब नाम बहुत ही कुलीन समर्पित देशभक्त हैं। आदरणीय बंधुओं, हमने जो मंत्र पढ़ा उसका सबको मालूम है कि कल 1,00,000 लोगों ने गीता का पाठ किया। लोग कस्बे तो खाते हैं न्यायालय में, पर यह सात्विक रूप से इस ऋषि प्रधान, इस कृषि प्रधान देश में जो ऐसे जो काम हो रहे हैं उन सब के माध्यम से सनातन यानी मानव धर्म यानी वेदों का अनुसरण। हम अभी 10 दिन की पाकिस्तान यानी वेद भूमि सिंध की यात्रा पर गए थे। वहाँ पर यह हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज का मानी राष्ट्रीय ध्वज का ये हमने लगा के रखा। तो हमारा नहीं, हमारे साथ हमारे जो देश है उसका स्वागत पहले हो। क्योंकि धर्मानुसार शासन होता है, धर्मानुसार आचरण होता है। तो ऐसे हम आपसे आशा करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे कुछ पंचायतों के संगठनों के जो भी बंधु बने यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में भी दरबार पीठ में आते रहे हैं, भविष्य में भी आते रहेंगे। हम सब इनके साथ हैं, इनके पीछे हैं, इनके मजबूती में हम लोग सहभागी बनेंगे, चाहे व्यापारिक जगत हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। क्योंकि सदानी दरबार की यह भी पहचान है कि सन 2005 से लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रथम वर्ष के कार्यकाल से लेकर ही यहाँ पर भव्य मेडिकल कैंप लगते रहे।